सिस्टर के पीछे के बाद आएंगे, लेकिन आप मॉर्निंग से मीट बिफोर वी स्टार्ट, ये एक अलुमना मीट है, तो मैं अपने सबसे पहले सेल्फ इंट्रोडक्शन करना चाहती हूँ, इसलिए करना चाहती हूँ ताकि मैं भी उम्मीद करती हूँ कि मेरे करने के बाद आप लोग भी करेंगे। मैंने JNU में 99 में मास्टर्स करने के लिए आई हूँ। आई स्टेड इन साबरमती इन फ्रॉम SIS, then I continued my MPhil and ended PhD. Now I am teaching in Indraprastha College, Delhi University. इसके बाद मैं जो हाँ लास्ट में सबसे लास्ट में बैठे हैं उससे मैं शुरू करूँगी अपने इंट्रोडक्शन। अपने मैं संजीव शेखर सर के बिहार में आया, तो
मैं अरूप सिन्हा और आई एम रिप्रेजेंटिंग मिस्टर संजीव शेखर. तो बिकॉज इज नॉट इन कराची तो उन्होंने बोला कि एक बार आप जाके वो कर लीजिएगा. थैंक यू. तो अगर कुछ वैसा हो तो आप कन्वे कर सकती हैं हम लोगों, और ये सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह मैं उनको बता दूंगा, फिर ये कॉन्टैक्ट लीजिए. थैंक यू. मेरी अपनी कंपनी है एम्ब्रोस कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, मैं बिल्डर हूँ रांची में, और मेरी बहन है स्नेहा जो कि जेएनयू में थी. आर्क फाउंडेशन से रिलेटेड है, साइन एंड कोट आर फ्रेंड. सो मैं उनके बिहार में आया हूँ, मुझे ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगा है, मैं भी चाह रहा हूँ कि इन्वेस्ट करूँगा. मेरे साथ काफ़ी लोग भी हैं, मेरे जेएनयू के काफ़ी फ्रेंड भी हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आगे बढ़े. अम्बरीश कंस्ट्रक्शन में साथ में काम करता हूँ, उनका मार्केटिंग करता हूँ. एवरीवन, माय नेम इज शैलेंद्र कुमार. आई गॉट एडमिशन इन जेएनयू इन ईयर 2003 एंड आई डिड एमसीए 2003-06 एंड देन कंटिन्यूड फॉर एमटेक. सो effectively pass out in 2008. Currently I am working in SAIL, Steel Authority of India Limited, and it's one of the units in Bokaro Steel Plant. I am assume Assistant General Manager there. Thank you very much. Ramkumar Mandal, my name is. मैं 1985 में JNU गया था, CSRD में. फिर जो है SIS में Seaport में गया, वहाँ से एमए एमफिल पीएचडी किया, और फिर जो है सर्विस लग गई बीपीएससी के माध्यम से डिप्टी कलेक्टर में, फिर मैं ज्वाइन कर लिया, उसके बाद फिर इधर ही हूँ. थैंक यू. मेरा नाम शाहिन अंसारी है, और मैं 1990 में जेएनयू में आया था, और 2002 में मैंने पीएचडी खत्म किया वहाँ से. उसके बाद मैं जो है डेवलपमेंट सेक्टर में काम कर रहा हूँ, और इस प्रोजेक्ट से मैं पिछले 10 साल से जुड़ा हुआ हूँ मैं. थैंक यू. गुड इवनिंग एवरीबॉडी. मेरा नाम संजय है, मैंने एमफिल पीएचडी किया है जेएनयू से. आई ज्वाइन जेएनयू इन 1984, और मंडल जी हम लोग सब साथ थे वहाँ. और ये जो वहाँ 1993 तक मैं वहाँ था, उसके बाद मुझे पटना में एयर कॉलेज में पढ़ाने का जॉब मिला, और अभी मैं वहाँ प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में. और ये जो आइडिया है जेएनयू का, ये हालांकि कंसीप्ट बहुत पहले किया गया था, लेकिन रियलिटी में जो मोमेंटम जो पकड़ा है, ये एक छोटा सा लैंड का चंक लिया था, और हम लोग घबरा रहे थे कि बाकी का पैसा कहाँ से आएगा. एडवांस हमने दिया हुआ था, लेकिन उसके बाद इतना कलेक्शन हुआ कि हम लोग का जो टारगेट है उससे लगभग सरप्लस 1.5 करोड़ से ऊपर पैसा हम लोग के पास आया था. और उसके बाद आज ये स्थिति है कि हम लोग 2 एकड़ से ऊपर ज़मीन रजिस्टर्ड करा चुके हैं, और लगभग 3 से 4 एकड़ का ज़मीन का हम लोगों ने एडवांस भी दे दिया है, और 5-6 एकड़ तो हम लोग आराम से पहुँचेंगे. लेकिन हम लोगों का जो प्लान है, ड्रीम है, कि कम से कम 20 एकड़ हो. 50 एकड़ तो बहुत दूर की बात है, उतना हम नहीं सोचते हैं, लेकिन 20 एकड़ तक हम लोग लगता है कि हम लोग अचीव कर लेंगे. ताकि और ये जो कैंपस है वो जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतनी ज़्यादा डाइवर्सिटीज़ होगी इसमें, और डाइवर्सिटीज़ होगी और चांसेस लाइक माइंडेड लोगों का आपस में मिलने का बहुत बड़ा संभावना होगा. तो इस संभावना को लेकर के जो है, इस ड्रीम को लेकर हम लोग बढ़ रहे हैं. जेएनयू का बहुत ऑर्गेनाइज था यहाँ पर रांची में, तो काफ़ी लोगों ने कहा कि हमारे पास समय नहीं है, नहीं जा सकते हैं, तो आप क्यों ना रांची में आए और हमें एक्सप्लेन करें. इसी वजह से हम लोगों ने यहाँ पर ये वेन्यू रखा था, और इसमें हमें बहुत ज़्यादा मदद कल जो हम लोगों मिले थे DIG हैं अनूप जी, उनसे बहुत बड़ी मदद मिली, उन्होंने ही सारा ये प्रबंध वगैरह कराया.
थोड़ी सी चूक ये हो गई कि आज सैटरडे को हम लोगों ने रख लिया। अगर ये हम लोग दिल्ली के हिसाब से रख रहे हैं तो वहाँ सैटरडे संडे ऑफ होता है, लोग संडे को आना नहीं चाहते हैं, चाहते हैं कि सैटरडे को आए, संडे पूरा अपना पर्सनल उसमें एंगेज रहें, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट तो ऐसा होता नहीं है, तो ये थोड़ी सी चूक हो गई। फिर कई लोगों ने ये कहा कि सेकेंड हाफ में आएंगे, उनका फ़ोन भी आया है, तो एक राउंड और चलेगा और तीसरा राउंड भी चलेगा। जैवियर में जो लोग हैं वो लोग कह रहे हैं कि अभी एडमिशन का टाइम है तो 4 बजे हम फ्री होंगे, तो संभवतः 4 से 6 उनका भी ये चलेगा, मतलब टुकड़े टुकड़े में लोग आते रहेंगे, अटेंड करते रहेंगे और फिर जाते रहेंगे। और फिर कई लोगों ने, मंडल जी हैं यहाँ पर, उन्होंने सजेशन किया कि कुछ लोग इतने व्यस्त हैं यहाँ पर, खासकर पुलिस डिपार्टमेंट में, और दूसरी उनका ये भी है वो पब्लिकली आना भी नहीं चाहते हैं, तो क्यों नहीं 1-to-1 अप्रोच करें उनको, तो वो ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। देखिए गैदरिंग बड़ा करना हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद है कि जिस पर्पस से लोग आए हैं उस पर्पस मेरा पूरा हो। इस गैदरिंग से अगर 6-7 लोग भी निकल जाए तो हमारा भी ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाता है, और अभी तो शाम तक का बात करेंगे, तो ये मोटो से लेके हम लोग चल रहे हैं। अगली मीटिंग हम लोगों की पटना में भी होनी है, और वो हम लोग प्लान कर रहे हैं अगस्त वगैरह में पटना यूनिवर्सिटी में ऑर्गेनाइज करने के लिए, और पटना चूंकि मेरा अपना शहर है तो वहाँ पर नेचुरली काफ़ी लोग टर्नअप होंगे। और ये जो है ये प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा है, अभी PPT एक्सप्लेन किया जाएगा, और मुझे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, मैं ट्रेजरर हूँ उसमें, साइंस उसमें प्रेजिडेंट है, मैडम वहाँ जनरल सेक्रेटरी हैं, तो ये बहुत अच्छी टीम है, और भी कई लोग हैं, 13 लोग हैं जो कि इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं। हाँ, चंदन जी हमारे हैं, डॉक्टरेट वहाँ JU से किया है, ये पर्चे देंगे अभी। एक हमारी अर्जिता पॉल हैं, वो USA में अपनी पढ़ाई कर रही हैं, वो भी जुड़ी हुई हैं, तो ये लोग गवर्निंग बॉडी में ये लोग जुड़े हुए हैं, और हम लोग बहुत एफिशिएंटली काम कर रहे हैं, और हम लोग जो है चाह रहे हैं, देखिए इसमें प्रॉफिट मोटिवेटेड है भी नहीं, तो उस तरीके से कमर्शियल तरीके से हम लोग एडवर्टाइज भी नहीं कर रहे हैं, और हम लोग उस तरह के एडवर्टीजमेंट वगैरह जाएंगे तो बहुत पैसा भी खर्च होगा। ये जो वैल्यू है बिल्कुल हमें मिला है, तो ये सारी चीज़ों को फैक्टर्स को देखते हुए, और मेरा हम लोगों का इस टीम का अभी जो फिलहाल ध्यान है कि लैंड पुलिंग पॉलिसी तो डिक्लेयर हो चुकी है, एक्सक्यूशन के पहले ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग लैंड परचेज कर लें और उसे पुलिंग में डाल दें, क्योंकि बाद में लैंड बहुत कॉस्टली हो जाएगा और हमारे पॉकेट के बाहर हो जाएगा। कहे कि हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं, हम लोग सेफ्टी भी चाहते हैं, कम रेट में भी चाहते हैं, तो और ये जो 6 साल का जो हम पीरियड बता रहे हैं, साईं भाई ने कहा है, वो आप मान के चलिए, अभी अगर आप वहाँ विजिट करते हैं दिल्ली में, और ये छावला का जो प्रोजेक्ट जहाँ पर है, आप देखेंगे वहाँ फ्लाईओवर्स बहुत तेजी से आ रहे हैं, रोड्स बहुत तेजी से बन रहे हैं, तो देखिए बैरन लैंड के लिए इतना डेवलपमेंट नहीं होता है, इसका मतलब जरूर है कि वहाँ पर डेवलपमेंट बहुत नियर फ्यूचर में आने वाला है। तो वो सारी चीज़ों को देखते हुए जो लोग विजिट करते हैं वो लोग खुद कहते हैं कि 4 साल के अंदर हो जाएगा, तो हमें जो कुछ भी है लैंड पुलिंग का हम लोग वेट कर रहे हैं, एक बार वो एक्सीक्यूट हो गया, कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा वक्त लगता नहीं है, 2.5 साल में हमें उम्मीद है कि हम लोग ग्राउंड प्लस 13 फ्लोर जो है, और दिल्ली में काम बहुत तेज़ी से होता है, बिहार में झारखंड में उतनी तेज़ी से शायद ना होता हो लेकिन वहाँ होता है, तो वैसे स्थिति में हम लोग इस पोजिशन में रहेंगे कि हम लोग फ्लैट डिलीवर करें, और हम लोगों का डिटेल में बताएंगे कैसे इंस्टॉलमेंट्स है, क्या रेट पड़ रहा है, और हम लोगों का एक्सपेक्टेशंस है, जो हमारे मेंबर्स होने वाले प्रोस्पेक्टिव मेंबर्स हैं उनसे हमारा एक्सपेक्टेशंस क्या है, वो कैसे कोऑपरेट करेंगे अपार्ट फ्रॉम गिविंग मनी टू अस। थैंक यू वेरी मच। मैं JNU में कम्युनिटी हेल्थ से PhD किया हूँ, मैं JNU में 2011 से 2019 तक का हुआ हूँ।
और मैं इस प्रोजेक्ट के साथ पिछले 3-4 सालों से जुड़ा हूँ और मैं चाहूँगा कि ये प्रोजेक्ट काफ़ी तेजी से आगे बढ़े और हम लोग का जो एक ड्रीम है वो उस पर आ जाए जाते हैं। थैंक यू। जो लैंड ग्रीन पॉलिसीज के बारे में नीरज जी बताएंगे और अपनी इंट्रोडक्शन भी अपने हिसाब से। हेलो, मेरा नाम नीरज कुमार है और मैं जेएनयू इस प्रोजेक्ट के साथ लास्ट 12 साल से एसोसिएट हूँ। मैं जेएनयू से पढ़ाई मैंने नहीं की है बट अब 99% जेएनयू का हो चुका हूँ और इनके इस प्रोजेक्ट के लैंड एक्विजिशन से लेकर जितने भी काम है वो सारा मैं देखता हूँ। और अभी आप जब पीपीटी पे डिस्कस करेंगे तो फिर डिटेल्स में बात कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चन हो आप वो पूछ सकते हैं सर। कोई सुनिए उसमें। हेलो, ये पूरी दिल्ली का मैप है सर और इसमें जितने भी आप देख रहे हो बाउंड्री लाइन है, तो पूरी दिल्ली जो है सर वो करीब 1486 स्क्वायर किलोमीटर में बसा हुआ है अगर आप देखेंगे तो। और पूरी दिल्ली के अंदर 360 विलेजेस हैं, ठीक है, जिसमें से जितने इस साइड का आप देख रहे हो सर, ये 1/3 एरिया ये यूपी बॉर्डर से घिरा हुआ है और 2/3 एरिया यहाँ से लेंगे और यहाँ तक ये हरियाणा है जिसमें आप फरीदाबाद आपका उधर सोनीपत हो गया सर, झज्जर क्रॉसिंग है, कुछ गुड़गांव क्रॉसिंग हो गया दिल्ली से बॉर्डर जितने आप देखेंगे, तो ये 2/3 एरिया है सर आपका, ये जो हरियाणा बॉर्डर से घिरा हुआ है। इसमें जितने भी व्हाइट कलर के आप देख रहे हैं सर ये ऑलरेडी बसा हुआ है, ये जो बसा हुआ टोटल एरिया है ये करीब 900 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है उसके डेटा में। और जितने आप इसमें से ग्रीन कलर के एरियाज देख रहे हैं साइड में ये जीडीए है, ये 47 विलेजेस हैं 360 में से, टोटल 360 गांव में से 142 गांव ऐसे बचे हुए हैं जिसमें की जमीन भी बची हुई है, तो टोटल जमीन जो एरिया है वो एरिया इज अराउंड 500 स्क्वायर किलोमीटर अभी डेवलपमेंट बचा हुआ है। तो अभी जो आप देखेंगे सर ये जितने भी ग्रीन कलर एरिया है ये सारे बॉर्डर के विलेजेस है जिसके अंदर 47 विलेजेस है जिसमें ग्रीन डेवलपमेंट एरिया आएगा, और जो हम अभी बात कर रहे हैं सर वो है येलो कलर, इसके अंदर 5 जोन है दिल्ली में जिसमें अभी जमीनें बची हुई है, दैट इज P1 P2 N जोन L जोन K1 जोन और J जोन, ये 5 जोन है सर दिल्ली में जिसके अंदर हम बात करते हैं L जोन की, तो वो सर एरिया यहाँ पे बनेगा आपका। एल जोन सबसे अच्छा लोकेशन है अगर आप दिल्ली का लेके चले तो, इसमें एल जोन के अंदर से टोटल अप्रोक्सीमेटली 23,000 हेक्टेयर के यूजली अगर एल जोन की बात करेंगे तो टोटल 1 से लेकर 41 सेक्टर्स है जिसमें अभी डेवलपमेंट होते हैं। जोशी जी बोलता है और यहाँ पे ये झज्जर हरियाणा हो गया सर गुड़गांव, टोटल 1 से लेके 41 सेक्टर है। अगर आप कभी दिल्ली में जब रहना हो तो सर मुंडगा विलेज अगर आता है रोहतक वाले रोड पे तो वो इस लोकेशन में पड़ेगा या इसके आसपास। ये जो आप राइट में देख रहे हैं ये दौड़ता है, तो अब वी आर टॉकिंग अबाउट येलो जोन एरिया जिसके जितने भी येलो देख रहे हैं इसके अंदर सर वो आर जोन एरिया है, पहले लैंड एग्रीकल्चर स्टेटस था अब वो ऑलरेडी अर्बनाइज होके और लैंड पॉलिसी में पार्टिसिपेट के लिए आगे रेडी है। सेक्टर प्लानिंग कर दीजिए इससे लेके और 41 सेक्टर्स है, ठीक है, जिसके अंदर हमारी जो लोकेशन है सर वो यहाँ पे है इस लोकेशन पे, ये सर नजफगढ़ वाली वो झील है अगर गए हो, और यहाँ पे दौड़ता है और जहाँ पे भी मैं इंडिकेट कर रहा हूँ यहाँ पे ऐसो भूमि है और एयरपोर्ट इसके आसपास पड़ेगा और ये हमारी जो लैंड है वो यहाँ पे है, ये एरिया हमारी जमीन है सर। और ये जो आप देख रहे हैं यू यू आर टू है सर अर्बन एक्सटेंशन रोड सेकंड, इसकी टोटल लेंथ है 79.6 किलोमीटर जिसमें से फेज वन ऑलरेडी बन चुका है, एक दो पैचेज अभी बचे हुए हैं। इफ यू आर कमिंग फ्रॉम चंडीगढ़ तो आपको पहले द्वारका आने के लिए सर पहले आपको दिल्ली के अंदर एंटर करना पड़ता था, लेकिन अगर आप चंडीगढ़ से आ रहे हैं तो आपको द्वारका के अंदर आने की जरूरत नहीं है, गर्मी नहीं जाने की जरूरत नहीं है, पूरी दिल्ली घूमने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से आएंगे और यहाँ से आपने यू आर टू पे एंटर किया और यहाँ से 20 मिनट में आप द्वारका पहुंच सकते हैं। तो हमारी जो साइट है वो इस रोड पे सर इस पॉइंट पे, यहाँ से आप स्टेट लेंगे तो यहाँ पे यशो भूमि है सर IAACC इंडियन कन्वेंशन सेंटर, कन्वेंशन सेंटर से करीब 10 लाख स्क्वायर मीटर में बना हुआ है जिसके अंदर अभी फेज वन उसका डिलीवर हुआ है, 25,000 लोगों के बैठने की कैपेसिटी है। G20 का जो मीट था वो यहीं से पलवल एक्सप्रेस से EPR जब वहां से अगर आप लेफ्ट लेते तो EPR हो जाता है, राइट लेंगे तो WPR हो जाएगा। WPR के बाद इन्होंने एक नया रोड बनाया जो आपका जो रोड है उसको बोलते हैं अर्बन एक्सटेंशन रोड सेकेंड, ये थर्ड ही रोड है दिल्ली का। एक इसके साथ में सर आपको एक रोड और नजर आ रहा होगा प्रपोज्ड है अभी तक से, ये वाला ये यूईआर 1 ये प्रपोज्ड है, इसके लैंड एक्विजिशन वगैरह ऑलरेडी हो चुके हैं और अभी धीरे धीरे एनएचआई को सबमिशन हो चुका है, इसका काम भी स्टार्ट हो जाएगा।
किए हैं सर कि उस समय क्या होता था कि लिटिगेशन काफी सारे हो जाते थे, किसान आंदोलन के लिए तैयार हो जाते थे। मॉडल पे ये काम हुआ, प्राइवेट पार्टनरशिप और पब्लिक, पब्लिक पार्टनरशिप और प्राइवेट। पब्लिक में जैसे किसान हो गए सर, कोई भी अपने मिनिमम 5 एकड़ जमीन जिनके पास हो डेवलपमेंट लैंड के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। तो लैंड पुलिंग में हुआ कि सबको मिलके अपनी जमीन डीडीए को देनी है। जैसे सपोज सर 5 एकड़ जमीन आपको देनी है, 5 एकड़ आप जमीन डीडीए को देंगे, डीडीए उसके बदले आपको 60% जमीन वापस करेगी, 40% आपके पास रखेगी। तो उस 60% में से 53% आपका रेजिडेंशियल का होगा जिसके अंदर आप बिल्डिंग्स वगैरह बना सकते हैं, और 5% आपका कमर्शियल होगा सर। और जैसा कि अभी साइंस पीपीटी में बताएंगे भी, और 2% पब्लिक यूटिलिटी है, जो 40% डीडीए रख रही है उसके अंदर आपके पार्ट्स हो गए सर, सीवरेज हो गए, पाइपलाइंस हो गए, कॉलेज हो गए, यूनिवर्सिटीज हो गए, वो एफआईआर उनके लिए अलॉट होगा। जैसे आपने सपोज एट हम 5 एकड़ पे प्लानिंग करके बता रहे हैं आपको, 5 एकड़ में जैसे आपको मान लीजिए 3 एकड़ वापस मिला 60%, तो उस 3 एकड़ में जो आपका 2 एकड़ डीडीए रख रही है उसके बदले आपको एफआईआर अलॉट हो जाएगा, जिसमें कि आप मैक्सिमम G+13 तक हाइट ले जा सकते हैं। तो ये है सर बेसिकली लैंड पॉलिंग। लैंड पॉलिंग में क्या है कि डीडीए का काम है सिर्फ रोड्स बनाना, पार्क्स बनाना, पब्लिक यूटिलिटीज से रिलेटेड जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेस हो गए सर, दिल्ली जल बोर्ड का हो गया, सीवरेज हो गया, WTP हो गया, STP हो गया, वाटर हार्वेस्टिंग हो गया सर, हॉर्टिकल्चर हो गया, पार्क हो गया, CNG पंप्स के लैंड्स हो गए सर, स्कूल्स के लैंड्स, वो डीडीए सारा काम करेगी 40% के अंदर। तो आपको जमीन खुद लेनी है, डीडीए को सबमिशन करानी है, डीडीए उसके बदले आपको 60% वापस करेगी और उसमें आपको कंस्ट्रक्शन करना है। तो दैट इज फॉर लैंड पुलिंग पॉलिसी। अब हम पीपीटी पे आते हैं, मुद्दे की बात चाहते हैं इसके लिए हम लोग, है ना। ये तो अभी जो बताया उन्होंने पूरे दिल्ली के लिए क्या है, कैसे दिल्ली ने प्लान किया है अपने आप को डेवलपमेंट के लिए, और उसमें दिल्ली का हर 20 साल बाद एक आता है मास्टर प्लान, उसे कहते हैं दिल्ली मास्टर प्लान, ताकि दिल्ली मास्टर प्लान 2041 आया है। तो 2041 में क्या क्या है, कैसे कैसे वो सारा जाए, बट नाउ आई फोकस ऑन व्हाट वी विल बी डूइंग। तो इसके बारे में नीरज जी ने ऑलरेडी शेयर किया है। तो ये बेसिकली जो है लैंड एयर जोन है, ये बेसिकली 50,000 एकड़ में है। बेसिकली दिस इज द न्यू प्लांट सिटी, जिसे चंडीगढ़ को बसाया गया था, है ना। दिस इज बेसिकली जो है ये जब यू रिमेंबर इन 2014 स्मार्ट सिटी की बात हो रही थी, है ना, मोदी जी ने कहा था हर शहर में, तो स्मार्ट सिटी के लिए दिल्ली का ये और लोकेशन चुना गया था। इस वॉज स्मार्ट सिटी लॉन्च नहीं हो पाया किसी वजह से, हम उस पर डिटेल नहीं आएंगे, लेकिन अब उसी एरिया को डीडीए जो एक नहीं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के हिसाब से वो डेवलप कर रही है। तो स्मार्ट सिटी में क्या था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। स्मार्ट सिटी का मतलब क्या होता है, थिंग्स शुड बी बेस्ड ऑन नेचुरल एनवायरमेंट, आपके लिए सनलाइट मतलब बिजली के लिए सोलर सिस्टम हो, है ना, या फिर आपके लिए सीवेज सिस्टम हो, हार्वेस्टिंग हो, वाटर हार्वेस्टिंग हो, इस सारे चीज स्मार्ट सिटी का प्लान था। तो उसी एरिया में हम लोग, चूंकि अब वो नहीं हुआ, तो दिल्ली ने क्या किया कि दे हैव डी लॉन्च थिंग 2018 में, है ना, और उसके नेक्स्ट ईयर और अदर न्यू डेवलपमेंट। एयरपोर्ट पहले से वहां पे विच इज अराउंड 14 किलोमीटर, रेस्ट लाइक डिप्लोमेटिक इनक्लेव। अगर आप लोग दिल्ली के भी गए होंगे, बहुत सारा एम्बेसी जो है वो किराए के मकान में रेंट पे है, और वो बड़े बड़े देश हैं जैसे यूनाइटेड यूके है, अमेरिका है, उन लोगों के काइंड ऑफ सेकंड चाणक्यापुरी, इसको बोलते हैं डिप्लोमेटिक इनक्लेव। तो सारे जितने भी छोटे छोटे देश हैं जिनको किराए पे रह रहे हैं, उनको ये लैंड यहाँ पे अलॉट कर दिया गया है। तो why I am sharing this, because you can imagine the area around diplomats, वो शहर वो एरिया जहाँ पे अम्बेसडर अम्बेसीज रहती होगी, वहाँ पे क्या सिक्योरिटी होगा, क्या प्लानिंग होगा, क्या सर्विसेज होंगे, उन्हीं को सर्विस करने के लिए the DDA has come in following India, golf course है, football is भोजन, वहाँ का रहन सहन सारा उस थीम पार्क में वो आपको दर्शाया जाएगा।
बिहार सरन जो है एक है यशोभूमि द्वारका है जो आप मेट्रो से, तो ये सारे चीजें जो है हमारे प्रोजेक्ट के आसपास में, एंड दैट मीन दैट थिंग्स आर डेवलपिंग। अभी आप जाएंगे तो आप खेत मिलेंगे, ये सारे जो है अभी देखा आपने 50,000 एकड़ ये अभी खेत है, उसको दिल्ली ने क्या किया अर्बनाइज कर दिया है। 2017 में एक नोटिफिकेशन आया था और उसके थ्रू सारे एरिया को अर्बनाइज कर दिया उन्होंने। कि जैसे आप दिल्ली में देखेंगे कि जो मेन स्टेशन दो ही था पहले, ओल्ड दिल्ली स्टेशन और न्यू दिल्ली स्टेशन, उसके बाद आनंद विहार बन गया। अभी इसी तरह से जो है जैसे सर इस दिल्ली के लिए आपका आनंद विहार है, उसी टाइप से साउथ वेस्ट दिल्ली जंक्शन बन रहा है जो कि अपनी साइड से 10 मिनट की ड्राइव पे हो, तो ये जितने भी बात हो रही है सब 5 किलोमीटर के सराउंडिंग में नहीं। जितना भी वेस्ट मतलब मुंबई की तरफ जो ट्रेनें जाती है वेस्टर्न जो वो सारी यहाँ से जुड़ी हुई है, तो ये बढ़ना है सब। ये डीटीए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ही है, उनको ध्यान रखते हुए किया जा रहा है, बिकॉज दे नीड प्रॉपर, हम लोग को भी चाहिए उतना ख्याल नहीं होता, बट क्योंकि एम्बेसीज आ रही है तो उनके लिए गोल्फ कोर्स भी चाहिए, उसके लिए क्रिकेट चाहिए, फुटबॉल भी चाहिए, क्रिकेट स्टेडियम भी होगा साथ में। ये ऑलरेडी काम स्टार्ट है इसका, गोल्फ कोर्स 80% काम हो चुका है, जो भारत मंदिर पार्क है ये भी 80% के आसपास काम हो चुका है, ICC जैसी ये ऑलरेडी ऑपरेशनल है। तो ये जो ये हमें जानने की बहुत जरूरत, बीइंग पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी, एक मेंबर होने के नाते हमें जानना जरूरी है कि व्हाई आवर प्रोजेक्ट इज सो यू नो लेस कॉस्टली, इसके लिए बहुत ही सस्ता है, क्यों हो है ना, क्यों जो प्राइवेट बिल्डर जो उसी एरिया में जो बना के दे रहे हैं, दे आर सेलिंग एट द रेट ऑफ 20-25,000 पर स्क्वायर फीट, हम लोग का क्यों 5,000 में आ रहा है और अल्टीमेटली वो 3,000 तक में आ जाएगा वो। सो वो जो है इसलिए आ रहा है कि बेस्ड ऑन दिस थिंग इसमें देखेंगे जो भी दिल्ली में अब डेवलपमेंट होगा, सारे डेवलपमेंट होगा एज पर द लैंड पुलिंग पॉलिसी जो DDA का होगा। लैंड पुलिंग पॉलिसी में क्या होता है कि DDA विल नॉट बाई एनी लैंड, तो DDA विल आइडेंटिफाई कि ये सेक्टर ये एल जोन है, यहाँ पे 50,000 एकड़ लैंड पड़ा है, तो दोस हुआ इंटरेस्टेड इन डेवलपमेंट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट दे कैन कम बाई लैंड एंड ज्वाइन अस एज ए प्राइवेट, सो PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, ठीक है। तो उसी के तहत लोग जमीन खरीद रहे हैं, सो जितना जो आपका 50,000 एकड़ जो है उसका 40% आप सोच लिए वो DDO को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। बट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर रोड हो गया, सीवरेज हो गया, पानी का हो गया, पुलिस थाना हो गया, बस स्टैंड हो गया, कचहरी हो गया, क्योंकि नया ये समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब जो 60% जो है उस 60% में क्या है कि दे हैव अगेन यू नो उन्हें तोड़ दिया है 53.5% में कि आप घर से 53% में बना सकते हैं, और 53% के में भी कि नहीं जो घर है जो स्पेस मिलेगा उसमें सिर्फ आप 45% छोड़ना है, 53% जो आपको मिलेगा आप लेटा उसको उसके 55% में। हाँ सो ये जो सो यू नो इकोनॉमी क्यों ऐसा हो रहा है कि लोगों का प्रोजेक्ट जो है 20,000 पर स्क्वायर फीट इसी मिलेगा। सो व्हेन वी सबमिट 5 acre ऑफ लैंड टू DDA सो यू विल गेट 1,26,980 स्क्वायर फीट। वो जो आपका परसेंटेज है 55.5% उसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं स्क्वायर फीट में तो 53% वाला ये पार्ट होगा सर, देन उसमें ये होगा दो में ये। हाँ तो दीज आर द थिंग। अब क्या करेंगे आपको अगर आज की डेट में हम कमर्शियल का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि यहाँ तो हम घर बनाएंगे रेजिडेंशियल में 1,00,000 बस 27,000 व्हाट वी विल डू वी विल सेल, क्योंकि ये मेंबर्स का एवरी मेंबर्स क्योंकि वो जो जमीन हमने लिया है वी आर नॉट प्राइवेट बिल्डर, प्राइवेट बिल्डर होता है तो कमर्शियल जो शॉप बनता है वो हमारा होता, हम वो हमारा प्रॉफिट होता, बट सिंस इन्वेस्टर्स आर द
रेजिडेंट्स आर आल्सो इन्वेस्टर, उन्हीं के पैसे में खरीद रहे हैं, तो जो प्रॉफिट विल गो टू द इन्वेस्टर, दैट इज आवर मेंबर। तो वो जो 3431 पर स्क्वायर फीट, पर स्क्वायर फीट आप जितना आपको 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK, 5 BHK यू कैन मल्टीप्लाई 2 to 4 है। और मेरा जो लोग रियल एस्टेट बिजनेस में उनको पता होगा कि वंस द इंफ्रास्ट्रक्चर इज रेडी, बेसिकली सर अगर उस एरिया में प्राइस की बात करेंगे तो इसके सराउंडिंग 5 किलोमीटर में यहाँ से 3 किलोमीटर पर द्वारका एक्सप्रेस वे स्टार्ट हो जाता है। द्वारका एक्सप्रेस वे पे सर आप M3M है, अडानी है, आपके टाटा हैं सर, ATS है और कई सारे बिल्डर्स हैं सर वहाँ पे जिनका प्रोजेक्ट है। तो एवरेज अगर टिकट साइज आप देखेंगे जैसे शोभा भी है तो 20,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के आसपास का बेसिक सेल्स प्राइस है। उसके बाद सर इसमें PLC है, PDC, IDC है, फिर उसके बाद कार पार्किंग के चार्जेस है सर वो इसमें नहीं है, कार पार्किंग है, फिर क्लब हाउस के चार्जेस है सर, हर चीज के चार्जेस है। तो 2,000 रुपये के आसपास 10% मतलब पूरे प्रोजेक्ट कॉस्ट का वो चार्जेस है। तो राउंड अबाउट कॉस्टिंग इज अराउंड अबाउट 20,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट। अगर हमारे प्रोजेक्ट के आसपास ही एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था अभी, एक किसी प्राइवेट बिल्डर ने किया है, द्वारका का काफी बड़ा बिल्डर है वो, वेगस मॉल भी है वहाँ पे, एक उसका ओनर ही है, गोल फायर ग्रैंड के नाम से, 3.25 एकड़ जमीन 205 करोड़ रुपए ऑक्शन में DDA से लिया है, सेम स्टेटस है लैंड का, जो लैंड का स्टेटस हमारा है वो भी उसी का था, 205 करोड़ रुपए की ऑप्शन हुई है सर। और एक फ्लैट वहाँ पे गोल्फ के फेसिंग 6.5 करोड़ रुपए का आज के रेट में आप पता कर सकते हैं 3,000 रुपए स्क्वायर फीट का। अगर आप PLC उसमें चार्ज लेते हैं प्रेफर्ड लोकेशन, वो भी मैं बैक साइड के फ्लैट की बात कर रहा हूँ, अगर आप गोल्फ कोर्स फेसिंग लेते हैं तो वो 8.5 करोड़ रुपए के आसपास का है। और जो कमर्शियल एरिया है सर यहाँ पे अराउंड अबाउट 50,000 रुपए से लेके और 1.5 लाख स्क्वायर फीट तक के आसपास का रेट है उस 5 किलोमीटर के सराउंडिंग में, तो ये तो रेट कुछ भी नहीं है। दूसरा सर आपका जो सेमी पब्लिक इक्विटी है इसमें आपके जमीन जैसे हम ले रहे हैं, जमीन लेके हमने DDA को दिया, उसके बाद इसमें हमारा कोई भी लोडिंग इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो प्राइवेट बिल्डर का लोडिंग एक तो सर आपका कवर्ड एरिया और सुपर एरिया की बात करेंगे तो 40 से लेकर 45% के आसपास का हो जाता है, तो वो उसका प्रॉफिट मार्जिन होता है सर। सेकेंड थिंग इज दैट कि जो कमर्शियल एरिया है सर ये हमारा एक्चुअल है जो DDA से मिल रहा है, इसमें 50% लोडिंग और भी होती है प्राइवेट बिल्डर्स की, तो वो इनके नेट प्रॉफिट का हिस्सा है, सेम कॉस्टिंग आपको एक्स्ट्रा होगी। इसके बाद सर EWS का एक FIR मिलता है जो कि 15% है। हमारी जो जैसे सोसाइटी है तो सारा एक्चुअली जो 3 BHK होता है दिल्ली में खासतौर से रांची में और 1100 जो होता है वो सुपर एरिया होता है, जो हमारा 1500 सुपर एरिया इज एक्चुअल कवर दीवार। सो दिस इज मतलब वो है, वी आर नॉट कीपिंग दिस फॉर द लॉबी एरिया, फॉर द लिफ्ट एरिया, फॉर दैट वी हैव यू नो प्रोविजन डिफरेंटली। सो दिस 100, I mean this is 1500, you may be using around 1200 or 1300. The land cost, so we have, you see that they have a A, B, C, D, E, F, D column. Every column has its importance. Land cost is now 3100 per square feet. When we launched it, when we introduced it, the land cost was 2300 per square feet. उसमें हमारा एक सर आए हैं मंडा जी हैं, when he booked, it was 2300 square feet. 2023 में बुक किए थे मैंने, 2022 में. बिकॉज उसमें रीजन ये था सर कि जैसे UER2 है, अगर आप कभी साइड विजिट पे जाएंगे तो अभी रोड्स वगैरह ऑपरेशनल हो चुके हैं, पहले रोड्स नहीं बना था, वो एग्रीकल्चर स्टेटस था सर। तो जैसे ही डेवलपमेंट वहाँ पे स्टार्ट, जैसे DDA के बोर्ड्स वगैरह भी लगने स्टार्ट हो गए, तो डेवलपमेंट जैसे जैसे बढ़ेगी तो ऑब्वियस एक लैंड कॉस्ट बढ़ेगा सर। सो व्हेन वी वेंट देयर फॉर द फर्स्ट टाइम वहाँ पे 3.5 करोड़, 4 करोड़, 5 ऐसे लैंड कॉस्ट था पर एकड़, 4 करोड़ मैक्सिमम था पर एकड़ का। राइट नाउ आप जाएंगे वहां पे दे स्टार्ट फ्रॉम 8 करोड़, निगोशिएट करेंगे तो 7.5-7 ऐसे आएगा 6.5 मतलब। सो पिछले 2022 लेके 2024 के बीच में लैंड कॉस्ट बढ़ गया क्योंकि वहां पे बहुत तेजी से डेवलपमेंट आ रहा है। एक रोड था जिसका था अर्बन एक्सटेंशन रोड, जो 100 मीटर वाइड है, 100 मीटर वाइड मतलब 328 फीट चौड़ा, दिल्ली के अंदर बहुत
वाइडेस्ट रोड, मतलब सबसे चौड़ा रोड है वो, फोर लेन रोड है वो। सो ये जो है हमारा, आप देखेंगे, सो आज की डेट में दिस इज 3100 पर स्क्वायर फीट। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हमने लगाया है 2500 पर स्क्वायर फीट, 20% बढ़ सकता है, दैट वी हैव ऑलरेडी गिवन इन नोट बी में करते हैं। टोटल फ्लैट कॉस्ट देंगे 84 लाख है ना, एंड एस्टिमेटेड बेनिफिट टू हैव वी शेयर दैट। अच्छा, एस्टिमेटेड बेनिफिट और भी बढ़ेगा, ईडब्ल्यूएस वाला भी बढ़ेगा इसके अंदर। This we have kept the minimum which we can deliver. I'm interested in this one instrument. So you just just pay land cost only if you are not interested in return money. If you see, no, I'm not interested. पता होगा नहीं हो, there may be doubts होता है ना, they are not sure about the finance commercial part, or they not understand this thing. So we are offering it. If you don't understand those part, you don't, आपको लगता है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो just pay the land cost and somebody will invest on your behalf and he and she will claim the return benefit. But what is important to note that the return benefit is, suppose you are booking 3 BHK, तो return आप 46 लाख लगा रहे हैं और 48 लाख आपका रिटर्न बेनिफिट हो रहा है। दिस 48 लाख मे गो अप टू 1 करोड़, क्योंकि कमर्शियल वन थिंग्स आर डेवलप, 3000 पर स्क्वायर फीट तो कुछ भी नहीं है, सो इट विल बी डबल। बट दैट्स व्हाई वी हैव प्रॉमिस कि इफ यू डोंट नॉट डोंट अंडरस्टैंड दिस पार्ट एंड इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड, यू कैन जस्ट राइट टू अस, there will be a written agreement that I am not interested in the return benefit. So in the paying by paying 46 lakh, you will become the owner of the flat in our project, in 5-acre project. Total number of flat is 69. In 5-acre, and already booking amount दे रखा है या first installment दे दिया है। Land cost जिनके है? हाँ, land cost है। हमारा 21,000 जो है हमारा membership fees है। We don't count them in this project. जो 85 लोग जो हैं, वो ये बोल रहे हैं इन्होंने land cost दिया है। उसमें से around 30 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 100% land cost दे दिया है। By paying 100% land cost, within 1 month of registration, you get 7% discount. You can get 7% extended discount. Otherwise, builders के पास भी जाते हैं sir. Down payment scheme होता है ये. ठीक है, but we are not a builder. So, उसमें भी आपको down payment अगर इकट्ठा पैसा देते हैं, हमारे पास भी क्या कि sir इकट्ठा पैसा देते हैं, तब उतने जमीन ले सकते हैं. जमीन we get the land at the best price. So this is also important for those who want to become member. That there is a registration fee which is 21,000 rupees and this is non-refundable. This is the only part we don't return cost, which is non-refundable. Rest of the money, rest of the payment are 100% refundable without any interest or without any penalty. ना हम पेनाल्टी लगाते हैं ना हम इंटरेस्ट देते हैं, आप बिल्डर में जाएगा पेनाल्टी लगा के आपको वापस करेगा, कुछ पार्ट काट लेगा, दैट इज कॉल्ड डिले पेमेंट चार्जेस है ना। हम लोग क्योंकि बिकॉज वी आर, हम लोग अपना घर बना रहे हैं इसके लिए, हम लोग वी नॉट बिल्डर, हम कहीं नौकरी करते हैं, सर कहीं नौकरी करते हैं, संजय सर थे वो प्रोफेसर है, लियान मैम है शी इज प्रोफेसर इन दिल्ली यूनिवर्सिटी है ना, सब लोग कहीं कहीं काम कर रहे हैं है ना। सो तो हम लोग एक साथ मिलकर के घर बना रहे हैं, तो इसलिए हम लोग बड़ा घर बना रहे हैं। साइज आप देखेंगे हमारा 3 BHK का है, 4 BHK का 2000 स्क्वायर फीट में है ना। सो राइट नाउ, अच्छा, हम लोग का एज द वे द लैंड कॉस्ट इज राइजिंग एवरी डे, हम लोग को ये लगता है कि अगस्त तक आते आते हम लोग को लैंड कॉस्ट जो है 31 से 3300 पर स्क्वायर फीट आना पड़ेगा। सो दोज वो इंटरेस्टेड दे शुड ज्वाइन नाउ एंड दिस इज द बुकिंग अमाउंट। दूसरी चीज सर, एक रिकॉल आ जाते हैं बार बार, गवर्नमेंट के 100 डेज का जो एजेंडा है अभी, तो नहीं गवर्नमेंट
गवर्नमेंट का जो 100 डेज का एजेंडा है उसमें अपनी 11 वाली पॉलिसी भी है, दिल्ली मास्टर प्लान 2041 भी है, तो ऑलमोस्ट जो 100 डेज के अंदर है, 100 डेज से पहले पॉलिसी ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है, कुछ चेंजेस भी हो रहे हैं पॉलिसी में, वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं सर, तो अभी उस बात पर हम आगे चर्चा करेंगे, बट 100 डेज के अंदर जो गवर्नमेंट का एजेंडा है उसमें ये लैंड पुलिंग पॉलिसी ऑलरेडी है। This is the payment schedule. Those who are joining, they have to pay all the payment within 8 months. And that 8 months, we start with booking amount, three part. Three equal installments. So if you want to pay right now full, then you get 7% discount. Otherwise you can pay, why this 7%? 7% है हमने कहा कि 8 महीने आप रखोगे तो यू गेट 7%। इफ योर मनी की डोंट कीप इन योर बैंक अकाउंट, कीप इन आवर बैंक अकाउंट, वी आर ऑलरेडी गिविंग यू 7% डिस्काउंट। सो दैट्स टैक्सेस कटते हैं, इसमें टैक्सेस नहीं कटते। हां, इसमें टैक्स नहीं कटता है, इसमें 7% आपका टैक्सेस भी कटेगा, इसमें टैक्सेस नहीं कटते। So, ये है जो 2% जो है 53.5 है ना, उसमें क्या है कि अराउंड 10,000 स्क्वायर फीट है, वो ज्यादा हो क्योंकि हम लोग 6 एकड़ में जा रहे हैं, क्योंकि मेंबर हमारे पड़ गए हैं, पहले 69 चाहिए 5 एकड़ के लिए, नाउ वी हैव 85 पीपल एंड देयर मोर पीपल आर जॉइनिंग, द मोर नंबर ऑफ अस, व्हाट वी रियलाइज यू नो इन आवर मेंबर्स दैट मोस्ट ऑफ मेंबर आर ऑन द बोर्ड, संजय जी हैं 2 साल में शायद रिटायर होंगे, ढाई साल में रिटायर जाएंगे, है ना, ऐसे बहुत सारे सर तो ऑलरेडी रिटायर हो गए हैं, मंडे जो है ऑलरेडी, ऐसे बहुत सारे होंगे, तो ये हमारा आइडिया कि हम अपने घर बना रहे हैं, जब हम अपने घर बनाते हैं ना तो अपने हिसाब से बनाते हैं, हमें क्या चाहिए, हमें बेचना नहीं है, तो हमें लगा कि दोज वो रिटायरिंग दे विल बी हैविंग दिस फैक्ट्स इन माइंड। आप देखेंगे आज की डेट में ज्वाइंट फैमिली का जो कंसेप्ट था वो धीरे 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 खत्म हो रहा है, देयर इज नो ज्वाइंट फैमिली, है ना, एक ये आ रहा है, दूसरा आप देखेंगे न्यूक्लियर फैमिली बढ़ रहा है, एकला चलो और जो हमारे बच्चे हैं वो, तो मैं ऐसा प्लान कर रहा हूँ क्योंकि हम सारे एक दूसरे जानते होंगे, कुछ हमारे सीनियर होंगे, कुछ जूनियर होंगे, कुछ साथ के होंगे, बट एवरीबॉडी विल बी नोइंग, खोलता मैं कहूंगा संजय जी आज डिनर हम आप क्या करेंगे, या संजय जी को मन किया तो नाश्ता में मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, अरे आप आई चाय साथ पीते, मतलब जो गांव का एक माहौल था पहले जहां पर निकलते थे लोग, कहीं बैठे कहीं चाय पीने कहीं कुछ कर रहे, वाई दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर दोज हु आर रिटायर्ड फ्रॉम देयर प्रोफेशनल लाइफ, है ना, उनको इंगेज करने के लिए, बच्चे तो है नहीं किससे बात करेंगे, बात ना करने की वजह से ही बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं, देयर नो पीपल टू लिसन, अब लोग कहते हैं ये कहते ऐसी वक्त ही रहते हैं, तो लेकिन ये नहीं सोचते हैं जब हम लोग छोटे थे हम भी ऐसी बसते रहते हैं, वो सुनते थे। सो दिस असिस्टेड लिविंग सिस्टम ये उसी गैप को पूरा करने के लिए है, है ना, और ये आइडिया भी जो है हमारे एक मेंबर है उनकी स्नेहा सिंह है, उन्होंने कहा था कि इसको असिस्टेंट लिविंग, हमने कहा था पोस्ट रिटायरमेंट प्लान में नाम दिया था, तो स्नेहा सिंह ने इसको जो है कॉल्ड असिस्टेंट लिविंग, क्योंकि ये उधर भी बहुत प्रचलित है, बहुत ज्यादा है, हाँ, तो उससे क्या हुआ कि क्योंकि हम जानते हैं कि डेली एक्टिविटीज के लिए नहीं, अब सर ये जो असिस्टेंट लिविंग सिस्टम सर बता रहे हैं ये फैसिलिटी आपको प्राइवेट बिल्डर में नहीं मिलेगा, प्राइवेट बिल्डर में लेट्स सी सर मान लीजिए 100 फ्लैट है तो आपका पड़ोसी कौन होगा वो आपको नहीं पता है, बट एएलसी के अंदर आपको टेबल में पता होगा कि मेरा पड़ोसी कौन है, मेरे सीनियर कौन है, मेरे जूनियर कौन है, तो ये बहुत बड़ी चीज है सर किसी भी सोसाइटीज के लिए, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, जो कि प्राइवेट सोसाइटीज में आपको नहीं मिल सकता। डिजाइन करेंगे जो 10,000 स्क्वायर फीट हमारे पास है, उसे जब डिजाइन करेंगे तो ऐसा बनाएंगे उसको कि वहां पे आप व्हील चेयर में कहीं जा सके आप, क्योंकि 60 प्लस में आप 70 प्लस, तो अभी जो आप देखिए कोई फ्लैट डिजाइन नहीं होता है जहां पर आप, ये हम टेबल सोच रहे हैं कि समबडी फ्रॉम व्हील चेयर कैन गो टू बाथरूम ऑल्सो, इस तरह का वो जो 10,000 स्क्वायर फीट जो हमारा पब्लिक दिखे उसमें जो रूम बनेंगे उसके अंदर, तो उसका ऐसा होगा कि द एएलएस
will be consciously designed to support people with their own. That is when it has wheelchair accessibility in all places, including spacious bathrooms, community gatherings, community kitchens, library, theater, small community garden attached to the building. So ये सारी चीजें we have, मतलब क्योंकि हम भी old होंगे. So जब हम ये घर बना रहे हैं तो आप सोच रहे हैं कि जब मैं अकेले होऊंगा, so what I will be needing Neeraj ji, I will be needing Sanjay ji, Lian ji, Amar ji ki hamar aas paas mein ho, ki man ghabraye, bacche yaar hai, bacche baat nahi karo, Amar ji kya jaake thoda baithte hain, chai peete hain, Amar ji ko man gaya to hamare ghar mein aa gaye. To ye us tarah ke concepts banaya ja raha hai, hai na. To the goal of the ALS is to provide supportive and safe environment for individual who needs some assistance with daily tasks. है ना, मतलब बहुत सारे लोग देखेंगे उनको डेली इंजेक्शन चाहिए होता है. नर्स जो रोजमर्रा की जो जरूरत है उसको एड्रेस करने के लिए दवा खिला दिया, इंजेक्शन लगा दिया, है ना, ब्लड टेस्ट करने के लिए कुछ कर दिया, केयर टेकिंग टाइप से. बट दिस विल बी अ पार्ट ऑफ द सिस्टम, कि एक के लिए नहीं होगा, इट इज अ पार्ट ऑफ द सिस्टम, पूरी सोसाइटी के लिए, पूरी सोसाइटी के लिए होगा. सो ये ऐसा लगता नहीं है, यहाँ पे लोग बिल्डर भी हैं, उन्हें पता है कि वंस थिंग्स आर रेडी दो साल में बन जाता है. 100 फ्लैट को बनने में 2 साल से ज्यादा नहीं लगता है. बट चूंकि हमारा अलग तरह का डिजाइन है और हम लोग उस फील्ड के नहीं है, हम लोग किसी को हायर करेंगे, हम लोग उनको मॉनिटर करेंगे, उनको बार बार कहेंगे ऐसे नहीं ऐसे बनाओ, वी विल हायरिंग अ बिल्डर जो कंस्ट्रक्ट करेगा हम लोग. तो इसलिए हम उसको मान के लेके चल रहे हैं कि एक्चुअल टाइम इतना नहीं जाएगा, बट वी आर कीपिंग 6 मंथ का यू नो दिस प्रोजेक्ट. तो उस वक्त क्या हुआ कि 2015 में हम लोगों ने एक मीटिंग किया था जुलाई 2015 में, और तो बहुत सारे लोग एंथुसियास्टिक होकर के दे पेड. हाउस तो हमारे पास कुछ भी नहीं, सो उन्होंने पे किया और बारिश भी काफी हुई, बारिश दिल्ली की सबसे तेज बारिश थी, फिर भी लगाया था. तो उसमें क्या है कि तो उसमें क्या हुआ कि दे पेड नॉट ओनली 21,000 रुपीस, but they also paid some part of land cost. There are one member, Thare Sipil naam hai unka, she is income tax officer hai, to kaafi senior hogi us waqt, to sab join kiya. She paid 13 lakh. Ek hamara major Saurav Vikas hai, he paid 7 lakh. Ek Mumbai mein hai wo. Ek hai Raja Sen, bahar hi hai. He paid around 17 lakh ke aaspaas. To aur hum inme se kisi se nahi mile hain abhi tak, abhi se 36 unse bhi nahi, 36 se mile hain, inme se kisi se nahi mile hain. Face to face phone se baat hui hai, zoom pe baat hui hai, and they paid. Ye Raja Sen ye kahin bahar hai, is aur desh mein. जब हम लोग लैंड रजिस्टर कर रहे थे तो ही कॉल में साइन, कितना पैसा कम पड़ रहा है, मैंने कहा सर इतना कम, तो मेरा साइज पड़ा फिर से उनका 3 BHK था, उनका 5 BHK बुक कर लिया, और होटल में हाउ मच इट कॉस्ट इतना है, आई एम पेइंग ऑल द अमाउंट राइट नाउ. तो इस तरह से मेंबर्स रिस्पोंडेड. नहीं तो आप बताइए, 0 बजट से हमने शुरू किया है. फर्स्ट मीटिंग हुआ था हमारा 2011 में, 22 लोग आए थे, सबने 100-100 रुपया कंट्रीब्यूट किया चाय के लिए, और जो बचा उन्होंने कहा कि इसको बाद में यूज किया जाएगा. तो दिस प्रोजेक्ट स्टार्टेड विद 100 रुपीस कंट्रीब्यूशन. आज हमारे पास पिछले एक साल में है वी गॉट कलेक्शन अराउंड 15 करोड़, और हमने 2.5 एकड़ जमीन खरीद ली है जिसका आज की डेट में जो है 7 करोड़ पर एकड़ चल रहा है. जब हमने लिया था तो 5.5 था, 6 था, 6.5 था, अब जो है 7 करोड़ पर एकड़, 8 करोड़ ऐसा आ रहा है. सो वो लोग जो 2016 से पहले जिन्होंने सिर्फ 21,000 दिया था मेंबरशिप फीस, वी आर गिविंग देम 3% डिस्काउंट, और जिन्होंने वी शुड एक्नॉलेज देयर कंट्रीब्यूशन by paying them some reward. So ye reward wahan se aaya hai, and this was not demanded by them.
तो बिफोर सेलिंग रजिस्ट्री कराने से पहले आपको रेवेन्यू डिपार्टमेंट से लैंड स्टेटस रिपोर्ट लेनी होती है। तो अभी जो हमने सेलिंग करवाया है तो उसके अंदर हमने कुछ लैंड स्टेटस रिपोर्ट लिया था इसका, विच इज इशूड बाय रेवेन्यू डिपार्टमेंट। दैट मीन्स कि आपका लैंड का टाइटल क्लियर है। बाला इज द फर्स्ट पार्टी जो लैंड हम लोग एलोनी करेक्ट, ये सेकेंड पार्टी है। तो ये सबसे पहला प्रोसेस होता है जिसमें ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आपको रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से ये सब कुछ लिख के आएगा, इसके बिना आप रजिस्ट्री नहीं करवा सकते। सेकेंडली सर, ये हमारी पहले लैंड की रजिस्ट्री थी जो हमने 22 अगस्त 2023 को करवाया था सर। इसमें आप यहाँ सेलिटी की कॉपी है, फर्स्ट पार्टी इज बाला, सेकेंड पार्टी इज एलोनी कनेक्ट जो सेक्टर 14 में है सर। इसमें साइन जी और सेक्रेटरी हमारे ऑन बिहाफ ऑफ ANC एलोनी कनेक्ट। तो उसमें हम ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर चुके हैं, पहला वाला और दूसरा वाला भी बैच है कह सकते हैं। फर्स्ट पार्टी 5 किसान थे इसमें से, जे वेवन वशिष्ठ नरस, सेकेंड पार्टी एलोनी करंट, ये उसकी लैंड स्टेटस रिपोर्ट है सर, विच इज इशूड बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। दूसरा सर आपका दूसरी वाली जमीन की सेलिड है जो भी हमने रजिस्टर्ड करवाया 18 अप्रैल 2024 को। जितने भी देख रहे हैं सर 5 चेहरे, एक नीचे वाले तो जाने पहचानी है अभी थे, हुसैन जी हैं। तो ये सारे सर सेकंड वाले से भी बॉडी मेंबर जितने भी हैं, इसमें चंदन जी हमारे सामने बैठे हुए हैं सर, संजय सर पीछे हैं, लियान जी सामने बैठे हुए हैं। दूसरा सर इसके बाद फिर प्रोसेस है हमारा, कंप्लीटली एक्चुअली डॉक्यूमेंट अलाउड नहीं है बट ये हम DDA से लेके आए थे। जो हमारी पहले वाली जमीन थी, मैं प्रोसेस बताऊँ आपको चल के क्या क्या प्रोसेस होता है। ये DDA के लेटर से सर, और जो हमारी वाली लैंड है वो ऑलरेडी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में DDA की तरफ से वेरिफिकेशन के लिए जा चुका है। ये आपको अपडेट बता रहा हूँ सर मैं, आप ये वाला पॉइंट आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये थोड़ा सा ब्लर आ रहा है ये वाला। स्टेज ऑफ फॉलोड बाय कंसोर्टियम DE4 अंडरटेकन, एक सेकंड इसको देख सकते हैं। इसके अंदर से जो ये वाला पार्ट है, ये देख सकते हैं सर, इसमें सबसे पहले तो अपने लैंड स्टेटस रिपोर्ट लिया सर, जमीन आइडेंटिफाई किया, आइडेंटिफाई करने के बाद लैंड स्टेट रिपोर्ट, लैंड स्टेटस रिपोर्ट आपने लिया सर, उसके बाद आपने सेलिड कराया। सेलिड कराने के बाद आपको लैंड पुलिंग पॉलिसी में पार्टिसिपेशन के लिए DDA के वेबसाइट में आपको पोर्टल में लॉगिन करना है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 यहाँ पे सर आपको जमीन DDA में सबमिशन करना है। DDA में आप जब लैंड सबमिशन सबमिट कर रहे हैं, अभी हमारी जो जमीन है वो 4th स्टेज पे सर, अभी ये थोड़ा सा फोर्थ स्टेज पे है अभी हमारी जो जमीन मंथ्स के आसपास, इसमें हम 6 महीने का ऑलरेडी बफर लेके चल रहे हैं कि दो साल ऑलमोस्ट लगेगा लैंड वापस आने में। तो अगर आप यहाँ से प्रोसेस लेंगे तो हम ऑलरेडी वी आर इन फोर्थ स्टेज। अच्छा, इसमें क्या है सर कि जमीन, जैसे अभी हम सेक्टर 14 की बात करेंगे तो सेक्टर 14 के अंदर से टोटल 335 हेक्टेयर लैंड है, जिसमें से ऑलमोस्ट 135 हेक्टेयर लैंड जो है वो वैकेंट है, जिसपे लैंड पुलिंग पॉलिसी लागू है और उस पर डेवलपमेंट होनी है। तो उसमें जमीन आपके साथ कहीं भी हो, जैसे आप लैंड पुलिंग में पहला पैच हमने एक बाला के नाम से रजिस्ट्री कराया था, वो एलोनी कनेक्ट की एक यूनिक आईडी बन जाएगी DDA में। दूसरी जमीन आप जब उसमें ऐड करेंगे तो वो यूनिक आईडी में आपकी दूसरी जमीन ऐड होती रहेगी, और वो जब आपको जितने पार्ट में, चाहे आप 10 टुकड़े में जमीन लेके और DDA में दीजिएगा, बट आपको जो DDA से जमीन वापस मिलेगी वो एक ही मिलेगी। तो ये सर टोटल प्रोसेस है लैंड पुलिंग का, अभी हम 4th स्टेज पे हैं। टोटल 30, जैसे गुड़गांव की बात कर रहा हूँ सर हरियाणा में, तो 32 लाइसेंस लेने होते हैं, NHAI का परमिशन लेना, आपके नाम पे अलाउट हो जाएगा, उसके बाद फिर आप लेआउट बना के फिर सबमिशन करेंगे, उसके बाद फिर यहाँ से आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं।
एरिया है इसमें जमीन चाहे आपकी यहाँ भी हो सर, चाहे यहाँ हो यहाँ हो, कहीं भी आप जमीन लेके डीडी को पूल कर सकते हैं। बट आपको जो लैंड मिलेगा वो मिलेगा आपको रोड, जितने भी रोड देख रहे सर, ये हो गया 1, 2, 3। तो सेक्टर 14 में आने के लिए आपको तीन रास्ता दिया डी डी ए ने जो की 45 मीटर का है। एक ये वाला रोड है सर, एक ये वाला रोड है, एक ये प्रोसेस से आपको जो 16% अलॉट सर लैंड पुलिंग में प्रोसेस ये है कि जैसे मान लो सेक्टर 14 के लिए काम कर रहे हैं छावड़ा, छावड़ा जो है वो सबसे टॉप क्लास का है, तो छावड़ा में क्या है कि 135 हेक्टेयर लैंड है जो वैकेंट है, जिसपे लैंड पुलिंग पॉलिसी लागू है। तो 70% आपका जमीन डीडीए को समिश्रित होना चाहिए, 70% आपका जिस दिन हो गया डीडीए फिर आपको एक कंसोर्सियम बनाने के लिए नोटिस देगी। कंसोर्सियम का मतलब जैसे आप सर मोहल्ला आरडब्ल्यू होता है, तो वैसे लैंड ओनर्स को कंसोर्सियम के लिए नोटिस आएगा कि आप एक कंसोर्सियम बनाइए और आपके सेक्टर्स को हम चालू कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट जो सर अभी लास्ट अपडेट है डीडीए से, अभी 2-4 दिन पहले की बात है, 68% के आसपास हो चुका है हमारा, बीच में 69 से भी ऊपर हो चुका था, बट कुछ फाइल्स में रिजेक्शन था, ये आपको नेट बता रहा हूँ जितना अभी तक हमारा हो चुका है, तो 68% ऑलमोस्ट क्लियर है। तो कभी भी सर 2 महीना 4 महीना 5 महीना मतलब इसके अंदर भी कभी भी होने के बाद कंस्ट्रक्शन का नोटिस आ सकता है हमारे पास। इसका मतलब है कि 2 महीना में हो जाना चाहिए, मतलब 2 महीना 4 महीना 6 महीना, मतलब डीडीए है सर, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है बेसिकली। मतलब सेक्टर हमारा पास हो चुका है, टोटल एरिया में देखेगा तो सर 1 से लेकर 41 सेक्टर है, उस 41 में 3 सेक्टर पास हुए जहाँ पे की अप्रोक्सीमेटली 70% गैस में लैंड सैंक्शन हो चुका है। ठीक है सर, इसके बाद जो है जब आपका हेलो इसका मतलब है कि 2 महीना में जितना आप पार्टिसिपेट किए हैं, एरोनिक कनेक्ट पार्टिसिपेट किया है, उसके आधार पर डीडीए 60% आपको लैंड वापस कर देंगे, ठीक है? नहीं सर, इसमें क्या है कि हमें पूरा हो चुके हो जाए, ऑलरेडी हम 2.5 एकड़ के आसपास का पूरा कर चुके हैं और 2.14 एकड़ का ऑलरेडी मैं यहाँ भी जा चुका है, तो हमारा टारगेट है कि सर 2-3 महीने के अंदर वो भी रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। तो 60% आपको तभी मिलेगा, डीडीए आपको पूछेगी कंसोर्सियम बनने के बाद भी, आप कंसोर्सियम बनने के बाद भी जमीन अपनी ऐड करा सकते हैं, जो जमीन आपकी ऐड होगी वो फोर्थ स्टेज से काउंट होगा सर, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जब वेरिफिकेशन वगैरह करते हैं। तो ये है सर, उसके अंदर डीडीए आपसे पूछेगी कि आप डीजी बनना चाह रहे हैं या किसी सोसाइटी का ग्रुप हाउसिंग का पार्ट बनना चाहते हैं, डी हो गया सर डेवलपमेंट एंटिटी, उसके लिए आपको 2 हेक्टेयर जमीन मिनिमम चाहिए, अगर आप अपना खुद का बाउंड्री वॉल के साथ खुद की इंडिविजुअल सोसाइटी बनाना चाहते हैं, तो अगर आप किसी का पार्ट बनना चाहते हैं 5 एकड़ पर जमीन नहीं हुआ तो डीडीए उसमें भी आपसे पूछेगी कि अगर आप पार्ट बनना चाहते हैं तो उसके लिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है सर, अगर मान लीजिए हम 5 एकड़ नहीं कर पाए 3 एकड़ हो गया तो आपको किसी पार्ट एफ एस आई में वो एफ एस आई अलॉट हो जाएगा। यस, के सोसाइटी में हम ही लोग रहे हैं ना, टू इंश्योर दैट कि हम ही लोग रहे हैं या हम हमारे गांव के और आ रहा है तो हमारे परमिशन से आ रहा है या हमारे रिकमेंडेशन से आ रहा है, जो हमारे यहाँ नॉन जेनुइन का भी हमारे हैं 20% नॉन जेनुइन है, लेकिन उसमें कंडीशन है कि कोई जेएनयू का ही जो मेंबर है वो रिकमेंड करेगा कि ये आई नो दिस पर्सन एंड ये किसी का भाई है, किसी का बहन है या किसी कॉलेज का फ्रेंड है, कोई भी है, बट दैट पर्सन शुड बी रिकमेंडेड बाय एग्जिस्टिंग मेंबर। तो ये हमारा, तो अगर इसको मेंटेन करने के लिए ये जरूरी है कि हम 5 एकड़ में काम करें, 5 एकड़ में काम करने के लिए ये जरूरी है कि हमारे पास 69 लोग हों, क्योंकि 5 एकड़ में जो हमारा आप देखें उसमें दे रहा 69 यूनिट बनता है, तो फॉर्चुनेटली हमारे पास 85 लोग हैं, तो वी हैव क्रॉस दैट थ्रेशोल्ड, हमने उस जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है अपना इंडिपेंडेंट सोसाइटी का, दैट वी हैव अचीव्ड बाय यू नो हैविंग मोर देन 69 मेंबर्स। तो हमारा 85 लोग हैं और अब हमारा क्या कोशिश क्या है कि हम सबको कॉल कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं कि भाई आप बैलेंस अमाउंट पे कीजिए। हम लोग ज़्यादातर मेल करते हैं, अगर हमारे जानने वाले हैं तो बोल देते हैं कि ध्यान जरा उनको फ़ोन कर दूँ, मेरे जानने वाले हैं तो मैं फ़ोन करता हूँ, संजय जी के जानने वाले, तो हम लोग डायरेक्टली फ़ोन भी नहीं करते हैं बिकॉज वी रिस्पेक्ट देयर प्राइवेसी। हो सकता है किस वजह से नहीं पे कर रहा है ना, हम तो बिल्डर नहीं है फोन करने आपको देना है,
है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, जो उनके जानने वाले हैं हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि यार ये आपके फ्रेंड है, जस्ट चेक इफ ही कैन पे या शी कैन पे, लेट ही रिक्वेस्ट टू पे बिकॉज वी हैव टू बाय द लैंड, है ना। तो हम लोग को इस तरह का फॉलो ये नहीं कि फोन किया कि नहीं दो तक निकाल भाग कर देंगे, दैट इज नॉट द, बट यह है कि हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं भाई पैसे दे दीजिए। 85 लोग अगर पूरा पैसा हमें दे देते हैं तो हमारे पास 6 एकड़ जमीन आ जाएगा। अभी हम लोग जून के महीने में 1 एकड़ और जमीन दिखवाने वाले हैं, कुछ पैसे कहीं पड़ रही है, वी आर फॉलोइंग विद मेंबर्स एंड दे आर पेइंग अस, सो हम लोग ये हो प्रोसेस में जाएंगे। इसमें 5-6 महीने लगेंगे, उसके बाद इसका ड्राइंग हम लोग डालेंगे नक्शा के लिए, उसमें 1.5 साल लगेगा। तो फिर जब 1.5 साल लगेगा फिर नक्शा जब पास होगा उसको जल्दी वी स्टार्ट द कंस्ट्रक्शन। मतलब 6 साल का काम प्रोसेस इज गोइंग टू टेक 2 इयर्स अप्रोक्सीमेट। एट फर्स्ट हम लोग कहाँ तक है, कितना लैंड अभी तक ले चुके हैं? 2.5 एकड़। कम से कम हमारे प्रोजेक्ट के लिए 5 एकड़ जब हमको जाएगा तभी वो नक्शा के लिए बात से 5 एकड़ तो हमें, जैसे हमारे में से 30 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 3 इंस्टॉलमेंट दे रखा है, इंस्टॉलमेंट जाएगी आटा कितने में हो जाएगी, ये बुकिंग अमाउंट प्लस 3 इंस्टॉलमेंट पे कर रखा है, इसलिए हमने 2.5 एकड़। लेकिन हमारे पास 85 लोग हैं, 5 एकड़ जमीन लेने के लिए मुझे चाहिए 69 यूनिट मीन 69 मेंबर्स। लेकिन क्या है कि वो मेंबर शर्त है कि पूरा पैसा दें, है ना। तो अभी पूरा पैसा, अभी बहुत सारे लोग हैं जिन्हें फर्स्ट टर्म दिया है, जिन्हें सेकंड दिया है, ओनली 33 मेंबर्स हैव पेड आउट ऑफ 85, 33 मेंबर पेड फुल अमाउंट, तीनों मतलब जो 48 लाख है एक लैंड कॉस्ट, वो सिर्फ 33 लोगों ने दिया है। That means we have the member who will pay, but we are finding way out how to convince them कि भाई या बहन या कोई भी pay कर, it's very important to pay you now than 6 months later. So that is the challenge, and the money will come because अगर किसी ने 20 लाख दे रखा है, 3 BHK means आपका first time में 11 लाख है, आप तीन 11 होती है, मतलब 15 लाख राउंड पे, अगर 15 लाख कोई दिया है दैट मीन ही अशी सीरियस, और उन्हें सोचा हुआ कि हम अगले 8 महीने में रिमेनिंग अमाउंट दे देंगे, है ना, क्योंकि ये तो उस तरह का है नहीं है, वो तो क्लियर है शुरू से कि देयर इज नो बैंक लोन ऑन दिस अमाउंट, है ना। तो जो आपका सवाल है कि व्हाट विल बी द रिमेनिंग 2.5 एकड़, इनफैक्ट रिमेनिंग हम 2.5 नहीं, रिमेनिंग हमको 3.5 चाहिए, क्योंकि हम पास अब 6 एकड़ लेना है हमको, अभी अब 5 एकड़ नहीं, क्योंकि हमारे 85 लोग हो गए और लोग बढ़ते जा रहे हैं। आज सुबह अभी हम बैठे हुए थे, एक साहब को फोन आया था मेरे पास, और वो पेमेंट करने वाले हैं अभी जब मीटिंग में, है ना, कल रात में भी एक फोन आया था कि आज विजिट के लिए, तो लोग आ रहे हैं। चैलेंज ये है कि कैसे उनसे कहा जाए कि पे द लैंड कॉस्ट, कोई बात नहीं है, फ्यूचर में अपार्टमेंट बना करके लोग बुकिंग कराया, कोई हिडन चार्जेस भी है या पार्किंग का, इलेक्ट्रिसिटी का कोई हिडन चार्ज हमें तो हम लोग क्या कहना है, हम लोग अपना घर, मैंने बताया ना कि हम लोग अपना घर बना, हम लोग नॉट दिस इज नॉट फॉर द प्रॉफिट, हम तो प्रॉफिट आपको रिटर्न कर रहे हैं। अगर हिडन चार्ज होगा ना तो जो उस पे जाइए रिटर्न परमिट वाले पे, अगर कोई हिडन चार्ज होगा ना तो आप हम पैसा देंगे क्यों, हम तो आपको लेते हैं, वी आर रिटर्निंग, आप देखेंगे। ये जो हम पैसे दे रहे हैं रिटर्न कर जी प्रॉम्प्ट कर रहे हैं, ये कहाँ से आए इधर जी, पब्लिक ड्यूटी 2%, दैट इज नेक्स्ट आइए, 2% मीन्स इफ यू कन्वर्ट दिस परसेंटेज इनटू स्क्वायर फीट दैट इज कमिंग टू 1,26,000 फॉर द रेजिडेंशियल, 27,225 स्क्वायर फीट फॉर द कमर्शियल एंड 10,890 फॉर द पब्लिक ड्यूटी। सो हिडन कुछ है नहीं इसके अंदर, वी हैव ऑल पुट देयर, so these 27,225 square feet the commercial will be sold out after the completion of the project,
and the total amount will be equally distributed depending on the size of the flat you have booked. जितना बड़ा आपका फ्लैट साइज है आपने बुक किया है उस हिसाब से आपको ये जोशी जी नेक्स्ट नहीं छोड़ देना इसमें सर जो हिडन चार्ज की आप बात कर रहे हैं लैंड कॉस्ट जो आप देख रहे हैं वो तो लैंड कॉस्ट के अकॉर्डिंग डिपेंड होता रहेगा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑलरेडी 20% का एक्सलेशन हमने डाला हुआ है क्योंकि रॉ मटेरियल्स महंगा हो जाता है कई चीज़ें हैं सर तो अगर 2000 है तो 2500 हो सकता है 2700 हो सकता है 2600 हो सकता है दूसरा एक चार्जेज इसमें ये रहेगा सर कि गवर्नमेंट का जैसे ईडी आपको FSI अलॉट करती है तो FSI अलॉट करने के बाद EDC IDC चाहिए होता है एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस जो आपके रोड्स वगैरह तो वो प्रोडक्ट बेसिस पे डिवाइड होगा दूसरा सर IDC वो आपका इंटरनल चार्जेस इसके will be additional and as per the actuals ये नहीं हम बोलते इतना लेंगे जो एक्चुअल होगा उसका बिल होगा इसमें कार पार्किंग दैट विल बी चार्जेबल एंड वी हैव नॉट डिसाइडेड येट बिकॉज डिपेंड ऑन द कॉस्टिंग अभी क्योंकि हर दिन कॉस्ट बढ़ता जा रहा है वो बताया ना जब मैंने शुरू हम लोगों ने शुरू किया था द लैंड कॉस्ट वॉज फ्रॉम 3-4 crore पर स्क्वायर पर एकर आप जो है 8-7 crore का हाँ तो ये है तो ये है तो हाँ तो देयर इज नो हिडन कॉस्ट उसमें भी कोई चार्जेस नहीं आपका फेसिंग अलग आ गया तो उसमें कोई चार्जेस नहीं है वो चीजें भी तो है ना PLF पेपर लिख लेना कि आप चाहते हो कि हमारा जो है कि गोल्फ उसके साथ मतलब लॉन्ग साइड में हो या उस साइड में हो उसका चार्ज होता है प्राइवेट बिल्डर में देयर इज नो चार्जेस क्योंकि ये हम अपने लिए बना रहे हैं तो अलॉट कैसे आपको जैसे जैसे बुकिंग हो रहा है वैसे अलॉटिंग होगा उसका भी कोई चार्ज नहीं होगा मतलब वो उनको भी नहीं कि हम चार्ज करेंगे उनका उनको भी उनका जो प्रिफर्ड लोकेशन होगा दैट विल आल्सो फ्री अप फॉर बिकॉज द लैंड आप लोग इन्वेस्टर हो इसके वी ट्राई टू अंडरस्टैंड आवर मेंबर्स आर इन्वेस्टर वी आर नॉट बाइंग लैंड बाय टेकिंग मनी फ्रॉम समबडी एल्स सो दैट वी डू हैव टू पे देम है ना वी आर बाइंग लैंड बाय टेकिंग मतलब यू आर इन्वेस्टिंग फॉर योर ओन सर बेसिकली क्या है कि इसमें आपको जमीन भी खुद लेनी है और DDO से नक्शा भी खुद पास कराना है EDC IDC भी खुद पे करना है चार्जेस भी खुद देने हैं दूसरी कंस्ट्रक्शन भी खुद बनाना है लेआउट भी इनफैक्ट सबको मिल के ही करना है उसमें मतलब कोई इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं है कि ये लेआउट चलेगा तो जब आपके पास PDL DDO से वापस आ जाएगा प्रोविजनल डेवलपमेंट लाइसेंस वो 14 नंबर में है इट विल टेक 12-18 months के आसपास उसमें लगेगी तो उसके बाद फिर आपको जब गवर्निंग बॉडी की मीटिंग्स होगी GBM होगी जब बॉडी मीटिंग्स होगी तो उसमें लेआउट्स डिस्कस होंगे 3BHK 4BHK 5BHK तो उसमें फिर आप लोगों को मिल के ये करना है कि हमें लेआउट्स में कुछ चेंजिंग है या क्या है जो भी सजेशंस होंगे उसी हिसाब से फिर आप कॉन्ट्रेक्टर हायर करेंगे फिर लेआउट बना के फिर आप DDO में सजेशन करेंगे उसके बाद फिर आपको कंस्ट्रक्शन का अप्रूवल मिलेगा रीडिजाइन फॉर योर अब अंदर मान लीजिए सर किचन में ये टाइल पसंद नहीं है हाँ आपको खुद लगवाने तो आपको नहीं हमें किचन यहाँ नहीं यहाँ यहाँ कर दीजिए मतलब स्ट्रक्चर में कोई डिजाइन चेंज नहीं मतलब मेन घर के अंदर जो भी डिजाइन चेंज हो हॉल चाहिए तो ही चाहिए वो अपने हिसाब से जैसे किसी को सर पूजा घर चाहिए But that is also free of cost for you because ऐसा नहीं कि हम गोल्ड के लिए जाए उसके अलग से जो एक यूनिफॉर्म अप्रूवल के लिए चार्जेस होता है सब में जाएगा बट उसके लिए छोटा मोटा that would not be any उसको बोलते हैं सर revised map उसमें आप total periods को दो बार revised map कर सकते हैं ये मतलब norms है इस पर norms बता रहा हूँ मैं तो आप DDO भी परेशान हो जाएगा हर महीने बाद तो देखिए मुझे ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए तो वो दो बार ही हो सकता है तो लेआउट ऑफ डिवीजन पूरे प्रोजेक्ट का जो टाइम पीरियड होगा एज पर रहेगा आप दो बार कर सकते हैं अलुमनाई मीट आई थैंक ऑल ऑफ यू
आई लुक फॉरवर्ड टू योर क्वेरीज, आई लुक फॉरवर्ड आपके मन में जितने भी सवाल हैं, जितने भी डाउट्स हैं, प्लीज बेझिझक पूछिएगा। आपकी जो फोल्डर पे भी ईमेल भी दिया गया है, और आप शाहीन भाई या संजय सर या मुझे ये सारे सवाल या ये दीजिए, क्योंकि अगर आपको इन्वेस्ट करनी है, आपको इसमें लेनी है, तो आप बिल्कुल मन में पूरी तरह से क्लियर होके ही करते हैं। और एक दूसरा चीज मैं इसके बारे में हमारा अपना ही के बारे में बताना चाहती हूँ, क्योंकि जितना आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, आप ये मत सोचिएगा कि बस मन में ही रख के ये सोचे, बल्कि आप ये सारा सोच विचार संजय सर या साहिन भाई को कर दीजिए, क्योंकि ये असिस्टेड लिविंग सिस्टम जो है शुरुआत में बिल्कुल नहीं था, इट वॉज नॉट अ पार्ट व्हेन वी हैड कॉन्सेप्चुलाइज इट, बट एज एंड व्हेन वी हैव कम वी हैव रियलाइज्ड दैट दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट। तो उसी तरह से आप भी अपनी योगदान अपनी कंट्रीब्यूशन हमारे अलुमनाई करें, क्योंकि हम ये घर इन्वेस्टमेंट के तौर पे बना रहे हैं, ताकि कब को पैसा भरे बेचेंगे ये नहीं है, ये सिर्फ हमारे लिए है। तो आपको जिस तरह से कई लोग ने ये बोले हैं कि रूम में शुरुआत में तो हमें ये था कि एक स्टडी रूम टाइप होने चाहिए, फिर बाद में पता चला कि स्टडी रूम से कई लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि अपना पूजा रूम। तो उसी तरह से अपना सजेशन सुझाव दीजिएगा, क्योंकि आओ चलो मिलते हैं दोबारा जेएनयू की तरह, हम साथ जिएंगे साथ रहेंगे, और इसी तरह से आपके सुझाव बिल्कुल बेझिझक साझा कीजिएगा। एंड वी एज ऑफ नाउ वी ब्रेक फॉर लंच एंड आफ्टर दैट वी कैन मीट अगेन। थैंक यू सो मच। खाना खाने में लॉस्ट नहीं होती है क्यों सर? वॉलंटियर्स होती है फर्स्ट ये सारे लोग खाते है ना, तो एक बैठ रहे एक खाना खा के आइए, बल्कि दो खाना खा के आइए। Thank you.
यहाँ फर्स्ट फ्लोर हम लेंगे, सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर तुम लोग एक साथ रहते हैं, यहाँ थोड़ा सा प्लॉट देते हैं, यहाँ पर तुम, यहाँ पर मैं, नहीं होता है हम लोग कर रहे ना बस ही। हेलो भाई, स्टडी रूम कहाँ होता है? What is this return benefit and from where is it allocated? Yes, तो वो ये था कि अराउंड 50,000 एकर जिसपे रेजिडेंशियल जोन है, वो क्यों घर बनेगा ना? तो डी डी ए ने क्या किया कि दे हैव इन्वाइटेड पीपल टू बाय द लैंड एंड पार्टिसिपेट इन द लैंड बिल्डिंग प्रोसेस, उसको कहते हैं पी 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 मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। डी डी ए विल नॉट बाय द लैंड, एकर 50,000 एकर ये अगर ये देखिए ये, हाँ इसको आप एक एक हेक्टेयर में 2.5 acres होता है। हाँ जी, और ये डी डी का है, ये मैप है ना, इसका क्लाइम है। तो अब ये जो है, ये टोटल जो है, दिस इज कॉल्ड टेल जोन। दिस इज अभी यहाँ पे जाएंगे, यहाँ खेती हो रही है जी, है ना? आप हमारा अगर यू आर फॉलोइंग अवर पेज, स्मार्ट सिटी स्मार्ट प्रोजेक्ट जो लॉन्च नहीं हुआ, तब मीडिया खुद लॉन्च कर रही है विद्या का। ये जो है ना, तो इसमें क्या, इसमें क्या मिला है कि आप जहाँ चाहे जमीन ले लीजिए, ठीक है, और डी डी ए विल दिस कॉल लैंड, इसी चीज़ का नाम है लैंड पुलिंग पॉलिसी, है ना? लैंड पुल करके आपको दिस कॉल लैंड पुलिंग रेगुलेशन, ठीक है, पॉलिसी है, उसके लिए रेगुलेशन लेके आप, उसमें क्या 40% डी डी ए विल की, तो ये 50,000 हेक्टेयर जो है उसका 40% ऑलमोस्ट 30,000 मतलब 50% जो बाउंड्री चीज दिया उसके अंदर जो है ये हम लोग, तो इस ये तो आज कुछ भी नहीं है वहाँ पे, है ना? तो ये जो है, तो दिस कमर्शियल, तो ये गांव में देखिए, हमारे गांव का नाम ये छावला है, ठीक है, ये अलग गांव है, ये अलग गांव है, पूरा ये तो नजर जनगढ़ भी है, ये तो जरा उसके आस पास ही है, ये द्वारका, ये यहाँ पे द्वारका है, ये एरिया द्वारका है, जब ये 50,000 16 सेक्शन 50,000